हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट 9, उसमें लेसन 1, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम माय है, और पोयम है। तो पोयम हमने अगले वीडियो में एक्सप्लेन की थी, तो इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। रीडिंग इज अ फन, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू, छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है। हम उसके क्वेश्चन देखें, आंसर देखेंगे कि छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है। द लिटल गर्ल वॉन्ट्स हर ग्रैनी टू कम हर है, वो क्या करवाना चाहती थी, कम हर है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, दादी माँ उसके बालों में क्या मालिश करती है। दादी माँ थी वो ग्रैनी, जो उसके ग्रैंड मदर, और उसके कौन सा ऑयल उसके बालों में रब करती है। तो उसका आंसर, ग्रैनी रब्स कोकोनट ऑयल ऑन हर है, कौन सा ऑयल यूज करे, कोकोनट ऑयल। देन डज द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी, डज द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी, क्या छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है। तो यस, द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी, तो यस, वो उसके दादी माँ से प्यार करती है। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लाइव विथ यू, क्या तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं। तो यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स लाइव विथ मी, यस मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। नंबर फाइव, डू यू स्पेंड सम टाइम विथ देम, डू यू स्पेंड सम टाइम विथ देम, क्या तुम उनके साथ कुछ समय बिताते हो। तो उसका आंसर है, यस आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ देम, तो यस हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नंबर सिक्स, हाउ डू यू हेल्प देम, तुम उनकी सहायता किस प्रकार से करते हो। तो उसका आंसर है, आई हेल्प देम बाय डूइंग अ नंबर ऑफ देयर स्मॉल टास्क, किस प्रकार से उसका सहायता हम करते हैं। तो आई हेल्प देम बाय डूइंग अ नंबर ऑफ देयर स्मॉल टास्क, तो क्वेश्चन आंसर में पता चल गया। देन नाउ वर्ड बिल्डिंग, मेक अ न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर वन हैज बीन डन फॉर यू। वो ग्रैंड पेरेंट्स में जो लेटर्स है, GRANDPARENTS, वो जो लेटर्स है वो यूज करके आपको दूसरे वर्ड्स बनाना है। तो हमने बनाया TEN 10, तो TEN 10 रैंड, वो उसने वन एग्जाम्पल दिए, RENT रैंड, तो RENT रैंड, रेड RED रेड, ग्रेप्स, तो GRAPES ग्रेप्स। दूसरा बनाया हमने आंट्स, ANTS, तो ANTS आंट्स। पेज, PAGE पेज, तो PAGE पेज। ईयर, EAIERS ईयर, तो EARS ईयर। स्टार, STAR स्टार, तो STAR स्टार। देन TEN 10, तो TEN 10, तो इस प्रकार के वो जो ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड्स दिया है उसमें लेटर चूज करके आपको न्यू वर्ड्स बनाना है। देन नाउ, समटाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल विथ अनोदर वर्ड
instant of repeating. The name replaces the name in the sentence using a word from the box. कभी कभी हम किसी व्यक्ति के नाम को दोबारा प्रयोग करने की बजाय उसे दूसरे नामों से पुकारते हैं. हम कभी कभी हम एक ही व्यक्ति को कभी कभी बुलाते हैं तो हम उसके नाम के जगह गर्ल्स होती तो सी यूज़ करते, बॉयज होता तो ही यूज़ करते. इस तरह के हम दूसरे नाम से उसको पुकारते हैं. तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स में दिए है इट आई ही सी माई एंड यू, वो उसमें से यूज करके वो ब्लैंक्स को फिलअप करना है. तो फर्स्ट ब्लैंक से मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल इज अ गर्ल. तो मीना वर्ड से वो गर्ल्स का नेम है इसलिए क्या आएगा सी. मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल सी इज अ गर्ल. टू राम इज अ क्लाइंबिंग अ ट्री इज अ बॉय. राम वर्ड्स वो क्या है बॉयज का नेम है इसलिए क्या आएगा वहां पे ही, उसमें से चूज किया ही. तो राम इज अ क्लाइंबिंग अ ट्री ही इज अ बॉय. नंबर थ्री डू नॉट ईट द मैंगो इज नॉट अ राइट. वहां पे ईट क्योंकि वो चीज का नेम है इसलिए ईट. तो डू नॉट ईट द मैंगो इट इज अ नॉट अ Right. Then now let's write. Suppose you go to stay with your grandparents for a week. Suppose आप अपने grandparents के वहाँ रहने के लिए जाते हो. One week के लिए अपने दादा दादी के यहाँ रहने के लिए जा रहे हो. Make a list of things that you would like to take with you for them. इन चीजों की सूची बनाओ जो तुम उनके लिए ले जाना चाहते हो. Do not forget to put a and or the before each thing. प्रत्येक चीज के साथ a and तथा the का लगाना मत भूलना. तो आप मान लो कि आप ग्रैंड पेरेंट्स के वहां वन वीक रहने के लिए उसके वहाँ जा रहे हो आप, तो आप अपने दादा दादी के लिए क्या लेके जाओगे वो आपको लिखना है. तो हम लिखेंगे फर्स्ट ए वॉकिंग स्टिक, देन ए पेयर ऑफ स्पेक्टेक्लेस, ए टॉर्च TORCH टॉर्च, ए स्वीट बॉक्स. आप दूसरा कुछ नेम लिखना है तो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है, आप दूसरा लिखना है तो भी लिख सकते हो. ए शॉल, फ्रूट FRUITS फ्रूट्स, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन, इलेक्ट्रिक हीटर, मेडिसिन बॉक्स, ए मेडिसिन बॉक्स, ए हॉली बुक. तो पता चल गया कि आप अपने दादा दादा के लिए वन वीक रहने जाते हो तो क्या लेके जाओगे. तो वॉकिंग स्टिक, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ टॉर्च, ए स्वीट बॉक्स, ए शॉल, ए फ्रूट्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर, ए मेडिसिन बॉक्स, ए हॉली बॉक्स. देन नाउ एक्टिविटी टाइम. दिस इज ऑन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंड फादर्स. दिस इज ऑन आउटलाइन इज मीनाज ग्रैंड फादर.
यह मीना के दादाजी की रूपरेखा है। एड हिज हैट टाई मस्टेज ग्लासेस स्टिक एक्सेट्रा उनमें उसमें उनकी टोपी टाई मुच्छे चश्मे तथा घड़ी को शामिल करो। राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स कलर द पिक्चर एंड राइट द नेम। दिए गए बॉक्स में प्रत्येक शब्द को लिखो, चित्रों को रंगो या उनका नाम लिखो। तो वहाँ पे हमको क्या लिख करना है, टाई, वहाँ पे हमको टाई लगाना है। टाई लगाना है, मुझे बनानी है, ग्लासेस, कैफ, घड़ी, वॉच, देन स्टिक, स्टिक पता चल गया। तो उसके नेम हम वहां पे लिखेंगे, हैट, टाई, मॉस्टेज, मॉस्टेज, ग्लासेस, ग्लासेस, स्टिक, वॉच, सैंडल्स एंड बियर्ड पता चल गया। उसके नाम वहां पे लिखना है। देन नाउ पिक ए पिकनिक। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सेंस गिव नेम टू ऑल द पीपल लुक एट द पिक्चर एंड टेक एंड मेक सेंटेंस यूजिंग अ प्रोसेस गिवन इन द बॉक्स। वहाँ पे एक पिकनिक, यह एक पारिवारिक पिकनिक का दृश्य है। वो उसके ग्रैंड मदर है, वो गर्ल है, उसकी मम्मा है, उसका छोटा भाई है, उसका बड़ा भाई है, वो उसके ग्रैंड फादर है, दादाजी है उसकी, और उसकी दादी जी है ग्रैंड मदर, और वो उसके पापा है। तो वहाँ पे उस फैमिली में उसके नेम देने हैं। तो उसका नेम हम लिख, वो क्या है, उसकी मम्मी, मम्मी, उसका नाम हम लिखते हैं रीटा, वो दादी है, उसका नाम हम लिखते हैं सुषमा। देन नाउ वहां पे वो फैमिली के साथ कहाँ पे आए हैं, पिकनिक आए हैं, तो वो उसकी ग्रैंड मदर है रीटा, वो खुद है मीना, खुद है वो, उसकी मम्मी है रीटा, वो उसकी ग्रैंड मदर है सुषमा। वो लोग क्या खा रहे हैं, फूड। उसका ब्रदर, यंगेस्ट ब्रदर है राहुल, उसका ग्रैंडफादर है, और उसका यंगर ब्रदर रिंकू है, और उसका फादर रमेश भाई। देन नाउ ईटिंग अ फूड टुगेदर, पिकिंग अप ऑफ रैपर्स और वेस्ट पेपर, सर्विंग अ फूड, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग टू इल्जर पीपल, फिनिक्स विद ग्रैंड, फिशिंग विद ग्रैंड फादर। तो वहाँ पे क्या करना है, वो वर्ड्स का यूज करके आपको पैसेज बनाना है। तो हम बना सेंटेंस बनाना है, पैसेज, वो सेंटेंस का यूज करके पैसेज बनाना है। तो हम बनाते हैं, वी ऑल कम टूगेदर फॉर अ पिकनिक, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग अ लॉट, माई यंग ब्रदर रिंकू इज अ प्लेइंग विथ फुटबॉल,
विथ माय फादर। तो उसका यंग ब्रदर रिंकू क्या कर रहा है, उसके फादर रमेश भाई के साथ क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। देन माय मदर एंड ग्रैंड मदर एंजॉयिंग देयर फूड। माय यंगेस्ट ब्रदर राहुल इज फिशिंग विथ माय ग्रैंड फादर। एज वी शुड नॉट लीव अवर वेस्ट थिंग्स इन द पार्टी सो आई एम पिकिंग अप फ्राइपर्स एंड वेस्ट पेपर। वो खुद क्या कर रही है, जो वेस्ट पेपर है उसको उठा रही है। वी ऑल आर एंजॉयिंग इन द कंपनी ऑफ अवर इल्जर्स। तो आपको इस तरह के वो सेंटेंस का यूज करके इस तरह को पैसेज बनाना है। तो आपको पता चल गया, तो वहाँ पे आपका लिसन वन फिनिश होता है। वो सब आप अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखते हैं।